जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मध्य जिला पुलिस ने अपराध और अपराधियों के नियंत्रण के लिए ऑपरेशन विराम इस जिले में लॉन्च किया हुआ है। ऐसे में जब 15 अगस्त और G20 सामने है, उसकी तैयारियों के मद्देनजर इसमें और चौकसी बरतने के लिए जिला पुलिस को स्पेशल विंग्स को निर्देश दिया गया है। और पिछली जितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और अदर एक्टिविटीज़ में यह भी गौर किया गया है कि चोरी शुदा गाड़ियों का इस्तेमाल होता रहा है। ऐसे में टीम AATS को खास निर्देश दिया गया। टीम AATS ने बहुत शानदार काम करते हुए ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली, वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली और सेंट्रल पार्ट ऑफ दिल्ली में काफ़ी सारी फुटेजेस थी, उनको खंगालने के बाद, उन पर एनालिसिस करने के बाद दो इंटरस्टेट डेस्परेट ऑटोलिफ्टर को आइडेंटिफाई कर लिया गया। एक सफरुद्दीन अलियास सफर अलियास कालिया और मेरठ के सिकंदर को आइडेंटिफाई कर लिया गया। पता चला कि सफरुद्दीन अभी पिछले दिनों में ईद मनाने हैदराबाद गया हुआ है, मोबाइल वो इस्तेमाल नहीं करता था। काफ़ी सारी मशक्क़त के बाद और अच्छी टेक्निकल और मैनुअल सर्विलेंस के बाद पता लगा कि वो इस तरह फ्लाइट से एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। एयरपोर्ट पर ट्रैप लैंड किया गया और टीम ने उसे नैप करने में कामयाबी हासिल की। एयरपोर्ट से पकड़ने के बाद उससे काफ़ी ऐसे महत्वपूर्ण खुलासे हुए जिसमें पता लगा कि वो यासिर और सिकंदर के साथ कई वारदातों में शामिल रहा और पिछले 2-3 महीनों में 40 से अधिक गाड़ियों को चोरी कर चुका है। ऐसे में यह और एक खुलासा हुआ कि ये लोग गाड़ियां चोरी करने के बाद सड़क के रास्ते नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल की तरफ गाड़ियों को भेज देते हैं। वहाँ कागजों में रजिस्ट्रेशन वगैरह, चेसिस नंबर, इंजन नंबर वगैरह को चेंज करके गाड़ियों को यूज करना और बेचना कि एक मोडस ऑपरेंडी का खुलासा हुआ। ऐसे में उसी की जानकारी के आधार पर मेरठ से सिकंदर को गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर दिल्ली NCR को गाजियाबाद गुड़गांव से 5 गाड़ियां, 5 SUVs रिकवर कर ली गई हैं। चूँकि इसमें नॉर्थ ईस्ट के नेक्सस का पता लगा, उसके अकॉर्डिंगली टीम रवाना की गई अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पर एक मेन रिसीवर धारक आगू उसे चिन्हित किया गया, अप्रिहेंड किया गया और वहाँ से भी 10 SUVs हाई एंड कार्स रिकवर कर ली गई। ऐसे में और 2 अन्य रिसीवर, उन्हें भी आइडेंटिफाई वहाँ कर लिया गया है, जिस पर अभी काम जारी है। टीम AATS उस नेक्सस को बस्ट करने में कामयाब रही है। वहाँ पर चूंकि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज का भी रजिस्ट्रेशन में शामिल होना और वो सब है, तो वो सब चीज़ें भी वेरीफाई की जा रही है। साथ ही वहाँ पर कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों का शामिल होने का शक है, जिसे भी वेरीफाई किया जा रहा है और टीम उस पर भी काम कर रही है। एक पूरा एक नेक्सस है जिसे अभी तक काफ़ी कुछ खुलासा हुआ और आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। यह जो सफरुद्दीन है, ये बड़ा इंटरेस्टेड डेस्परेट ऑटोलिफ्टर है जो 30 से अधिक वारदातों में शामिल रहा है। 1,00,000 का रिवॉर्ड इस पर 2018 में रहा है। इसके दोनों साथियों पर भी आपराधिक वारदातों में शामिल रहे हैं। टोटल हमारी 15 SUVs हाई एंड कार्स हमने रिकवर कर ली है, जिसमें शामिल है हमारी 6 फॉर्चुनर, 3 किया सेल्टोस, क्रेटा, क्रिस्टा, थार, ब्रिजा, जो दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से चोरी की हुई कार है। आगे और भी काफ़ी अच्छी रिकवरी और इस नेक्सस को पूरी तरह से निस्तनाबूद करने में टीम का काम अभी जारी है। थैंक यू सर। इसमें इंटरनली कौन कौन इन्वॉल्व है, क्योंकि काफ़ी बड़े लेवल में चल रहा था, पूरे डॉक्यूमेंट चेंज किए जा रहे थे, उसके बारे में थोड़ा बताओ। बिल्कुल, इसमें जाँच के दौरान ये पता लगा है कि जिस तरह से रास्ता और नेक्सस दोनों पता लगे हैं और जैसे गाड़ियों को स्क्रैप कर लेने के बाद चेसिस नंबर और इंजन नंबर को यूज़ कर लिया जाता है, तो उसमें ट्रांसपोर्ट जो भी अथॉरिटीज़ हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, उनको भी वेरीफाई किया जाए। सर, आपने बताया कि ये हाई एंड गाड़ियाँ ज़्यादा चुराते थे, SUV ज़्यादा चुराते थे, उनको कहीं से इंस्ट्रक्शन मिलती थी इनको कि हाई एंड गाड़ियाँ ही चुराया? नहीं, उसको सर टेक्निकली कैसे लोग करते थे?
ये लोग पहले जो हमने सबसे पहले स्कूटी बरामद की जो कि हमारे कोचकाजी थाने में FIR रजिस्टर्ड है, उस स्कूटी से ये लोग रेकी किया करते थे। और आपको एक वीडियो फुटेज भी एक दो शेयर की जाएंगी जिसमें ये बेसिकली अपना टेक्निकल ऐसा वो जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी हमने इनसे रिकवर किए हैं, उसमें ये जाम कर देते थे और ओपन करने का, क्लोज करने का, गाड़ी का की चेंज करना वगैरह, वो सारी मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी में इनके शामिल है। छब्बीस वारदातों में ये शामिल रहा है, 1 लाख का रिवॉर्ड इसमें 2018 में रहा है। बड़ा ही डेस्परेट इंटरेस्टेड ऑटो लिफ्टर है जो इसका नेक्सस हमें पता लगा, जो मेन रिसीवर हमें अरुणाचल प्रदेश में मिला है, मणिपुर नागालैंड में इसके लिंक मिले हैं और ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिस तरह से हो रखा है वो सारी चीज़ें भी इन्वेस्टिगेशन कहाँ करने वाला है। ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का रहने वाला है, सिकंदर मेरठ से। थैंक यू। इनका सर एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था, क्यों क्या टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी या साउंड कर रहा था भाई।